नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रेगनेंसी में, सामान्य प्रेगनेंसी में कौन कौन सी आवश्यक दवाई जो 9 महीने तक दी जाती है। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी डायग्नोस्ड होते ही या प्रेगनेंसी अपन प्लान कर रहे हैं उसी समय से ही फोलिक एसिड की गोली देना बहुत अनिवार्य होता है। फोलिक एसिड भ्रूण के विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। फोलिक एसिड की कमी से बच्चों में जैसे कटा फटा होंठ होना, कटा फटा तालू होना, ब्रेन का विकास ना होना, स्पाइनल कार्ड में किसी प्रकार का डिफेक्ट होना, ये सब समस्याएं हो सकती हैं। तो इससे बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि प्रथम तिमाही में फोलिक एसिड की गोलियाँ दी जाती हैं। फोलिक एसिड की गोलियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक होता है इनएक्टिवेटेड फोलिक एसिड और दूसरा होता है एक्टिवेटेड फोलिक एसिड। तो जो गवर्नमेंट सप्लाई जो मिलता है वो होता है इनएक्टिवेटेड फोलिक एसिड होता है, जो बहुत छोटी छोटी होती हैं, 5 mg की होती है। दूसरा जो होता है वो होता है एक्टिवेटेड फोलिक एसिड, जो मेडिकल स्टोर्स में मिलती हैं हाई फोलेट, एफोल प्लस इत्यादि नामों से। इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे समाप्त होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर लगता है, तो उसमें एक एल्बेंडाजोल की गोलियां दी जाती हैं, क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर में प्रेग्नेंट मदर्स को IFA की गोली दी जाती है। तो यदि पेट में क्रीमी या वर्म्स रहेगा तो जो आयरन जो लेडीज लेगी उसको आधा वो क्रीमी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए पेट के कीड़े को मारने के लिए एल्बेंडाजोल दिया जाता है। उसके बाद फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती है। आयरन दो प्रकार से होता है, एक होता है फेरस सल्फेट और दूसरा होता है फेरस एस्कॉर्बेट। ये दो जो प्रकार है मुख्यतः प्रेगनेंसी में दी जाती हैं। तो गवर्नमेंट सप्लाई में जो होता है वो होता है फेरस सल्फेट, इसके साथ में फोलिक एसिड की गोलियां मिली हुई होती हैं। इसको एक सामान्य महिला को जिसका HB 10 ग्राम से ऊपर है उसको एक गोली दिन में एक बार सेकंड ट्राइमेस्टर से पूरे डिलीवरी के समय तक दी जाती है। इसके साथ में कैल्शियम कार्बोनेट की गोली, इसके साथ विटामिन D3 मिला हुआ होता है, वो एक दिन में 1000 mg या 1 ग्राम देना होता है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट की दवाई जो गवर्नमेंट सप्लाई आती है या मार्केट में जो आती है उसमें 500 mg कैल्शियम कार्बोनेट मिला हुआ होता है, तो उसको अपन BD करके देते हैं, तो फिर वो एक दिन में 1 ग्राम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि आयरन और कैल्शियम की दवाई लेने में कम से कम 3 घंटे का अंतराल होना चाहिए, नहीं तो फिर जो है आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। आप आयरन की गोली को नाश्ते के बाद लें, फिर उसके 3 घंटे बाद लंच के समय कैल्शियम की गोली लें, शाम को फिर नाश्ते के समय लगभग 4-5 बजे के आसपास आयरन की गोली लें, उसके बाद रात में डिनर के बाद फिर कैल्शियम की गोली लें। इस तरह से 3-3 घंटे के अंतराल में आयरन और कैल्शियम की टेबलेट लेना है। यदि किसी प्रेग्नेंट वुमेन का जो HB है, हीमोग्लोबिन का स्तर है, वो 10 ग्राम से कम हो, तो उस कंडीशन में आयरन की गोली को भी BD लेना पड़ता है, तब जाके उसका जो हीमोग्लोबिन का स्तर ठीक होता है। यह इसलिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि डिलीवरी के समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और यदि पहले से कोई प्रेग्नेंट लेडी एनेमिक हो तो डिलीवरी के समय फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए यह बहुत ज़रूरी होता है। डिलीवरी हो जाने के बाद भी कम से कम 6 महीने तक आयरन और कैल्शियम का टेबलेट इसी तरह लेना पड़ता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद में भी एनीमिया की कंडीशन हो जाती है, और चूँकि माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उससे बहुत सारा कैल्शियम निकल जाता है, तो इसलिए कैल्शियम की टेबलेट लेने की भी ज़रूरत होती है, तो इसे 6 महीने तक लिया जाना चाहिए। यदि किसी महिला को सिकल सेल डिसीज हो या सिकलिंग हो,
तो फिर उस महिला को आयरन की गोली नहीं देना है, उसको केवल फोलिक एसिड की गोली ही पूरे 9 महीने तक देना है और डिलीवरी के बाद भी 6 महीने तक फोलिक एसिड की ही गोलियां देना है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में और कोई समस्या होने पर, जैसे कि बहुत ज़्यादा उल्टी होने पर या फिर यदि किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर के सलाह से उसकी दवाई भी ली जानी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।